मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 12 करोड़ की लागत से नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि तकनीकी सहयोग के लिए साइबर थानों के साथ MOU करें। आज गोरखपुर जोन की पुलिस ने इस दिशा में अनुभव पहल करती हुई मदन मोहन विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीकी संस्थानों में घिसे पिटे कार्यक्रमों को छोड़कर न्यू एज कोर्सेस को अपने यहां पर लागू करना होगा। आज का समय तकनीक का समय है, इसका उपयोग राष्ट्र निर्माण और लोक कल्याण में किया जा सकता है। स्वदेशीजनों को इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम लोग देशों की या प्रदेशों की रैंकिंग की बात करते हैं तो वह दो महत्वपूर्ण पहलू उसमें आती है। एक, अगर जब हम प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं की स्थिति क्या है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या है, और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदम, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसके क्रियान्वयन में की गई तत्परता अपने आप ही रैंकिंग को सुधारता है। इसका एक उदाहरण है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अत्यंत खराब थी, लगभग 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। हमने रिफॉर्म किए, सिंगल विंडो पोर्टल बना करके निवेश मित्र के माध्यम से टेक्नोलॉजी को अपनाया और प्रशासनिक तंत्र को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए किए गए रिफॉर्म को समयबद्ध तरीके से जमीनी धरातल पर उतारें। परिणाम है, उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार हुआ, 14 से नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आ गया।